मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। क्या आप बहुत दिनों से प्रेगनेंसी के लिए प्रयासरत हैं और अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम स्पर्म से रिलेटेड हो। हम ये किस तरह से जाने कि आपके स्पर्म हेल्दी है कि नहीं, इस चीज़ के लिए हम तीन तरह के मार्कर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं। पहला मार्कर है स्पर्म का काउंट कितना है, दूसरा स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, और तीसरा उनके मॉर्फोलॉजी कितनी है। जो नॉर्मल स्पर्म का काउंट होता है सीमन में, वो मिनिमम 15 मिलियन पर ml होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हमको इसको ओलिगोसूस्पर्मिया कहते हैं। और जो मोटिलिटी है, मिनिमम 50% स्पर्म मोटाइल होने चाहिए। अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम होगी तो उनको विजाइना से सर्विक्स यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में प्रॉब्लम होगी और इससे प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मिनिमम 50% स्पर्म अगर मोटाइल होता है तो हम उसको नॉर्मल सीमेन बोलते हैं। और मॉर्फोलॉजी का मतलब यह है कि स्पर्म की बनावट कैसी है। नॉर्मली स्पर्म की जो शेप होती है, ओवल शेप होता है और उसकी एक टेल होती है। वो टेल उसको गति प्रदान करती है। तो कम से कम 4% स्पर्म नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के होते हैं तो हम उसको नॉर्मल सीमेन बोलते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया चेक करके हम पता करते हैं कि जो है सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है कि नहीं है। अब देखा गया है कि कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके कारण स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होती हैं। तो इनमें कई जो पहले की कई तरह की मेडिकल इलनेसेस होती है, और या फिर उम्र अधिक होती है, कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और कई तरह के लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण देखा गया है कि जो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी डिक्रीज होती है और हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाते। तो मैं आपको सिंपल कुछ टिप्स बताऊंगी, जिन टिप्स को फॉलो करने से स्पर्म की जो है हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ती है, और इनको फॉलो करना भी बहुत आसान होता है। जैसे कि आप अपना वेट है वो नॉर्मल वेट मेंटेन करें, और एक्सरसाइज है वो रेगुलर करें। एक्सरसाइज करने से मूड भी ठीक रहता है और वेट भी मेंटेन रहता है, और साथ में स्पर्म का जो काउंट भी इम्प्रूव होता है, उनकी मोटिलिटी भी इम्प्रूव होती है। साथ में आप डाइट है वो अच्छी डाइट लें, जिसमें कि प्रचुर मात्रा में फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, और जो फ्रूट्स वेजिटेबल है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच हो, विटामिन सी डी ई उसमें पर्याप्त मात्रा में हो। और इससे अच्छी डाइट लेने से, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट लेने से जो है हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उनसे आप बचें। तो उसके लिए आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करें। आजकल स्ट्रेस भी बहुत कॉमनली सब में देखा गया है, और स्ट्रेस स्पर्म का जो काउंट दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर की हेल्प लेके मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। और स्मोकिंग स्पेशली, उसका स्पर्म के काउंट पे बहुत अधिक इफेक्ट होता है, तो अगर आप स्मोक करते हैं तो बंद करें। साथ में अगर आप हैवी ड्रिंकिंग करते हैं तो उससे भी स्पर्म का काउंट और क्वालिटी दोनों कम होती है। तो आप मॉडरेट ड्रिंकिंग कर सकते हैं, पर हैवी ड्रिंकिंग को आप अवॉइड करें। इंटरकोर्स के टाइम आप अगर लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं तो यूज़ ना करें, और अगर लुब्रिकेंट यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो तो आप फर्टिलिटी फ्रेंडली लुब्रिकेंट ही यूज़ करें। और अगर आप किसी भी तरह की दवाइयाँ, अगर आपके पहले से चल रही है, जैसे कि कई तरह की दवाइयाँ होती है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी एंड्रोजन, ये सब दवाइयाँ लेने से स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि हो सकता है कई दवाइयों के उससे स्पर्म की हेल्थ से रिलेशन हो। और इसके अलावा जो कई लोग एनाबोलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी बिल्ड करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं, तो ये, और कुछ लोगों में ये मिथ भी होता है कि टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेने से स्पर्म का काउंट इम्प्रूव होता है, जबकि ये एक बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन बाहर से लिया जाता है तो ये हमारी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्सिस होता है, जो कि
टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए हार्मोन रिलीज करता है, तो अगर बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दे दिए जाते हैं तो ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी होता है इनका सप्रेशन हो जाता है और बॉडी की जो इंटरनल टेस्टोस्टेरोन बनाने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। और जब टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। तो अगर आप कुछ इस तरह के स्टेरॉयड या टेस्टोस्टेरोन ये ले रहे हैं तो आप इनको बिल्कुल भी ना लें। और कई जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंट में कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड, लेड और कई तरह के और टॉक्सिन्स होते हैं जो कि स्पर्म पे जिनका नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो आप इनको अवॉइड करें। और अगर सपोज आपका वर्क ऐसा है कि आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो एडिक्वेट आप प्रोटेक्शन लें ताकि आपके ये स्किन के या बॉडी के ये कॉन्टैक्ट में नहीं आए टॉक्सिन। इसके अलावा जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है उसका बहुत अधिक फर्क पड़ता है स्पर्म प्रोडक्शन पे, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि टाइट अंडरवेयर ना पहने और हॉट बाथ्स ना लें, लंबे टाइम तक सिटिंग ना करें और लैपटॉप वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो उसको गोद में ना रखें। तो ये कई सारी जो सिंपल लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनको आप फॉलो करके अगर आपका स्पर्म काउंट कुछ कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। अभी सपोज़ अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी आपको स्पर्म काउंट इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर कई तरह की मेडिसिन भी है। ये मेडिसिन दो तरह की होती है बेसिकली, एक नॉन हार्मोनल मेडिसिन होते हैं और एक हार्मोन्स होते हैं। जिनके अगर हम जिन मेल्स में अगर FSH, LH इनको टेस्ट करने से अगर हार्मोन के टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो उनमें फिर हम काउंट्स बढ़ाने के लिए स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको दिया जा सकता है। एक एंटीऑक्सीडेंट जिसे कोएंजाइम Q10 कहते हैं, इसका स्पर्म प्रोडक्शन पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अगर ये मेडिसिन कंटिन्यू 4 to 6 months तक ली जाए तो स्पर्म का काउंट और मोटिलिटी दोनों ही इम्प्रूव होते हैं। इसके अलावा और कई तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन और जो सिलेनियम, जिंक और L-carnitine, ये सारे कई तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो इनको लेने से भी स्पर्म का जो काउंट और मोटिलिटी दोनों इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये बॉडी से फ्री रेडिकल्स को क्लीन करते हैं, तो फ्री रेडिकल्स बाहर निकलने से हेल्दी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अंदर उनका हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी जो एक्सिस है वो वर्क नहीं करता है, जिससे उसके कारण FSH और LH हार्मोन अंदर बॉडी में नहीं बनते। तो ऐसे लोगों में अगर बाहर से FSH और LH के इंजेक्शन दिए जाए तो उनमें कुछ स्पर्म का प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सकता है और उन कपल्स को हेल्प मिल सकती है। तो इस तरह से अगर आप कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, कुछ ये जो एंटीऑक्सीडेंट कोएंजाइम Q10 ये हैं, या फिर हार्मोन के इंजेक्शंस वगैरह लेने से हो सकता है आपका स्पर्म काउंट और मोटिलिटी इम्प्रूव और आप नेचुरली कंसीव कर सके, परंतु फिर भी अगर इन चीज़ों से आपको हेल्प नहीं मिल पा रही है तो आपको अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए और जो भी आपको रिकमेंड करे। हो सकता है काउंट बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो आप IUI की हेल्प ले सकते हैं। और अगर कई जो सीरियल्स सीमेन एनालिसिस करते हैं उनमें आपको पता लगता है कि स्पर्म काउंट रैपिडली फॉल हो रहा है तो आप IVF की भी मदद ले सकते हैं। IVF में स्पेशली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसे कहते हैं, उसकी मदद से आप प्रेगनेंसी करने में सफल हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। केयर फॉर क्यू एक हेल्थ एजुकेशन चैनल है जिसमें हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा माँ एवं शिशु के स्वास्थ्य एवं निसंतानता के बारे में सरल एवं आकर्षक तरीके से जानकारियाँ दी जाती हैं। हमारे वीडियोस में दी गई सभी जानकारियाँ पूरी तरह से ऑथेंटिक है और एविडेंस बेस्ड है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारियाँ पहुँचे। और हाँ, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।